हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं कच्चे चावल का नाश्ता। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं चावल। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था, इसका मैंने पानी पूरा निकाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें डालने के लिए लिया है, एक यहाँ पर लिया है मैंने गाजर, एक प्याज, एक आलू और थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए है कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर आपको और सब्जी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बाकी हमें क्या करना है, जो हमने चावल को पहले से भिगो के रखा हुआ था, हमें ना इसको पीसना है मिक्सी में अच्छे से, बिल्कुल पतला पतला, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे इसमें एंड हम इसको पीसेंगे। तो सारे चावल मैं इसमें डाल लूँगी। तो चावल मैंने डाल दिए हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें डालना है इसमें पानी। यहाँ पर आप इसमें 1 कटोरी पानी डाल सकते हैं। तो गई देखो मैंने इसको कितना पतला पीस लिया है। तो यहाँ पर सारा जो चावल है इसमें पीस गया है बहुत अच्छे से और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो यहाँ पर सारा जो हमारा चावल का रख है वो मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में सबसे पहले मैंने मिलाई इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम मिलाएंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद जो हमने सब्जी को कट करके रखा हुआ था वो सारी सब्जी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको इसके अलग कुछ और पसंद है सब्जी में आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास यही थी तो मैं इसमें यही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जी डाल दी है। अब आपको ना इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है गाइस। तो यहाँ पर सारी सब्जी मैंने इसे मिक्स कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इसमें छोंक लगाना है। तो यहाँ पर छोंक लगाने के लिए मैंने इसमें ऑयल लिया है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा हमने डाल दिया इसमें सरसों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरसों ना हमारी भुन चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। जीरा सरसों के साथ भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे हमने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। जब कड़ी पत्ता हमारा हल्का हल्का सा ब्राउनिश मतलब कि ऐसा हो जाएगा अच्छे से एकदम, तो हम ना इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने मिक्स किया है चावल के रख में सब्जियाँ उसमें हम सारा छोंक लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसमें छोंक लग गया है। अब हमें ना इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन इससे पहले हम डालेंगे इसमें चिल्ली फ्लैक, जो पिज्जे के साथ हम यूज करते हैं ना, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसमें चिल्ली फ्लैक भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ना हम इसका चिल्ला उतारेंगे। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसको ना चिल्ला उतारना शुरू करते हैं। तो चिल्ला बनाने के लिए हमने इसका ना यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल ताकि चिपके ना नीचे। और हम एक चम्मच की सहायता से या कोई बड़ा सा चमचे की सहायता से ना हम इसमें डाल देंगे। जैसे हम नॉर्मल चिल्ला बनाते हैं ना, सेम हमें ऐसे ही बनाना है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। आपको ना जहाँ पे ऑयल नहीं लगा है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है वरना इसमें चिपक जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी कढ़ाई में ना ऑयल लगा लो। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था कम से कम 2 सेकेंड के लिए। 2 सेकेंड के बाद जब मैंने इसको हटाया तो देखो कुछ ये ऐसा हो चुका है, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा नीचे से। मैं इसको पलट देती हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन अभी ना कच्चा सा लग रहा है, मैं इसको ढक देती हूँ दोबारा से 2-3 सेकंड के लिए। तो गए 2-3 सेकंड के बाद जब हम दोबारा चेक करेंगे तो जो हमारा चिल्ला है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं एक बार पलटती हूँ इसको और फिर देखते हैं कैसा बना है। जो यहाँ पर गैस की फ्लेम है गैस आपको ना लो ही रखनी है, क्योंकि अगर आप मीडियम फ्लेम पर करेंगे अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको पलटेंगे। तो यस आप देख सकते हो कि इस साइड से कितने ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इसी तरीके से ना हमें दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई करना है पलट पलट के अच्छे से। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी है चिल्ला हमारा। तो चलिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गाइस इसी तरीके से ना आपको सारे चिल्ले बनाने हैं। तो होप ये आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको चाय चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं चलती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मैं जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ।